त्योहारों में स्वीट डिश तो हर घर में बनती ही है। उसी स्वीट डिश में एक है गुलाब जामुन, जो लगभग सभी का फेवरेट है। आज मैं खोया को मिक्सर में डालकर बहुत ही इजी तरीके से ज़्यादा खोया को बिना मसले, बिना ज़्यादा मेहनत के कैसे बनाए, तो आइए देखते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूँ श्यामला। मैं स्वागत करती हूँ मेरे अपने किचन सेंटर में, श्यामलास किचन सेंटर में। गुलाब जामुन बनाने के लिए सबसे पहले हमें बनानी होगी चाशनी, यानी कि शुगर सिरप। तो चाशनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 4 कप पानी लिया है और उसमें 4 कप शुगर को ऐड किया है। चाशनी को मैंने गैस पर चढ़ा दिया है। चाशनी को हमें ज़्यादा थिक भी नहीं बनाना है और ज़्यादा पतला भी नहीं बनाना है। तो मैंने यहाँ पर खोया 1 किलो लिया है, तो 1 किलो खोया के लिए 4 कप पानी और 4 कप शुगर डाल दिया है। चाशनी में मैंने 8 छोटी इलायची को कूट के डाला है, ताकि इलायची का फ्लेवर जामुन में अच्छे तरीके से आए। जब चाशनी इस कलर की बन जाए तो गैस को हमें ऑफ करना है। तो खोया हमारा 1 किलो है और 1 किलो खोए में मैं डाल रही हूँ 100 ग्राम बारीक रवा, यानी कि सूजी। सूजी भी जाड़ा और बारीक दोनों तरीके के होते हैं, तो हमें बारीक सूजी लेनी है। साथ ही साथ 1 कप मैदा और 1 छोटा चम्मच सोडा ले रही हूँ। चम्मच ना ही ज़्यादा छोटा है और ना ही ज़्यादा बड़ा है। और यहाँ पर मैंने बेकिंग पाउडर को इस्तेमाल नहीं किया है, ये खाने का सोडा है जिसे हम पकोड़े के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस वीडियो में मैं कम से कम मेहनत में बढ़िया से गुलाब जामुन कैसे बनाते हैं ये दिखाऊँगी। और इसका सीक्रेट है कि मिक्सर। देखिए, मैंने खोया को ज़्यादा नहीं गूँधा है, क्योंकि मिक्सर में डालने के बाद खोया सॉफ्ट बन जाता है। यकीन मानिए, इस तरीके से मिक्सर में डालकर जामुन बनाएंगे तो जामुन बहुत ही बढ़िया और सॉफ्ट बनेंगे, बिल्कुल हलवाई जैसे। और आप भी इस मेरी ट्रिक को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक बार मिक्सर में डालकर जामुन बनाएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कैसी बनी। देखिए, थोड़ा सा प्रेस करते ही ये खोया, मैदा और रवा का बाइंडिंग कितना सॉफ्ट लग रहा है। मैं इसी तरीके से बचे हुए खोए को मिक्सर में डाल के ले लूँगी। जितना इम्पॉर्टेंट ये जामुन बनाने के लड्डू में है, उतना ही इम्पॉर्टेंट फ्राई करने में भी है। तो पूरा जामुन बनाने के बाद हम फ्राई करते समय कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए वो देखेंगे। तो फ्राई करने के लिए मैंने गैस पर कढ़ाई रखी है और उसमें तेल डाल रही हूँ। तेल को ज़्यादा ही लेना, ताकि जामुन तेल में अच्छे से डिप हो जाए और पूरी तरीके से अच्छे से फ्राई हो जाए। तेल को बिल्कुल ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बस मीडियम से थोड़ा सा ज़्यादा गर्म करें। और हमें जामुन डालने से पहले गैस का फ्लेम पूरा कम करना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वरना जामुन को डालते ही वो तुरंत नीचे से जल जाएगा। और थोड़ी देर बाद मीडियम फ्लेम पर रखे जामुन को अच्छे से फ्राई करना है। जब जामुन ऊपर आने के बाद थोड़ा सा ब्राउन कलर में हो जाए, तो वापस फ्लेम को पूरा कम करके फ्राई करना है। मुझे जामुन को थोड़ा सा डार्क ब्राउन कलर में फ्राई करना पसंद है। अगर आप चाहिए तो थोड़ा सा लाइट ब्राउन में निकाल सकते हो, देखिए इस लेवल पर, बट मुझे डार्क ब्राउन में पसंद है, तो इसके लिए मैं और थोड़ा सा फ्राई करूँगी। देखिए, एकदम परफेक्ट फ्राई हो चुके हैं।
स्टेज पर आने के बाद मैं जामुन को निकाल लूँगी और इसी तरीके के बाकी के भी जामुन को फ्राई करके लूँगी। मैंने सभी जामुन को फ्राई करके रखा है, देखिए कितनी सुंदर लग रहे हैं। मैंने चाशनी ज़्यादा नहीं बनाई है क्योंकि घर में बच्चों को ज़्यादा नहीं पसंद, तो चाशनी अगर बच जाए तो वो वेस्ट हो जाता है। इसके लिए जामुन को जितना लगेगा उतना ही मैंने चाशनी बनाई है, इसलिए मैंने थोड़ा सा बड़ा पतीला लिया है ताकि वो जामुन चाशनी में अच्छे से डिप हो जाए और अच्छे से जामुन के अंदर तक जाकर अब्सॉर्ब करें। इस तरीके से मैं चाशनी को जामुन के ऊपर से डाल रही हूँ ताकि चाशनी सभी जामुन के अंदर तक जाए। इस जामुन को मैं लगभग 4 से 5 घंटे तक ऐसे ही रखूँगी और बीच बीच में चाशनी को जामुन के ऊपर डालती जाऊँगी। जामुन में मैंने सूजी इसलिए डाला था कि उसके ऊपर का जो कवर है वो थिक और गोल रहे और अंदर सॉफ्ट रहे। मैंने जामुन को इस थाली में शिफ्ट कर दिया है और ऊपर से कटा हुआ काजू डालकर गार्निश कर दूंगी। होप्सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को यानी कि शामलास किचन सेंटर को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो की रेसिपी आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।